जय जीवदानी। गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना में मैं कामिनी खन्ना एकदम प्रसन्न चित्त होकर आप सभी के साथ इस दिन की इस प्यारी सी सुबह की ये पीली पीली किरणें जो भी सूर्य की आई हैं क्या आपने लिए। इतना संसार में D3 का प्रॉब्लम हो गया है लोगों को, कमर दर्द और घुटना दर्द और बॉडी पेन और D3 की कमियों की वजह से होने वाली और ढेर सारी बीमारियाँ, और लोग जाके सूर्य के इस प्यारी सी किरण में चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं। आप वॉक कर सकते हैं समुद्र पे, आप वॉक कर सकते हैं अपने गार्डन में, नहीं करते तो आप बिल्डिंग के नीचे कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो आप अपनी जहाँ पर सूर्य की किरणें आपके घर में आ रही है उसके सामने बैठकर लंबी सांस खींचकर ओम के जाप कर सकते हैं। तो आप ये ओम के जाप करेंगे तो आपका माइंड सज जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सज जाएंगी। जब सूर्य के आगे आप ओम के जाप करते हैं तो होता क्या है कि सूर्य के आगे ओम के जाप करने से आपकी मनोवृत्ति शांत हो जाती है, और कहा जाता है कि ओम में सारे मंत्र आ जाते हैं, सारी शब्दावली आ जाती है। वो कैसे? ओ मतलब कि वो आपके पेट से नाभि से निकला हुआ शब्द है, और म जो होंठ पर बंद हो जाता है। तो जितने भी शब्द निकलते हैं दुनिया में वो नाभि से निकलते हैं और होंठ पर बंद हो जाते हैं, तो सारे मंत्र भी इसी प्रकार होते हैं। और ओम को कीलक लगाकर जगह जगह मंत्रों की उच्चारण किए जाते हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन में बहुत शांति आती है, आपके बहुत सारे कहते हैं ना गात्र जो हैं वो एकदम से जागृत हो जाते हैं, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा शांति होती है। कैसे? कैसे कि ओ बोला तो आपका जो बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सारी ठीक हो जाती हैं। और जब हम म का उच्चार लंबा करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है और आपको माइंड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना में मैं अपने सभी भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी ये बहन कामिनी खन्ना हमेशा कहती है कि आप ओम का उच्चार करके देखिए, खासकर मेरे जो दोस्त बच्चे हैं वो करके देखिए। बिल्कुल आंटी गलत नहीं बोल रही है आपको, आप करके देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टडी में, हर तरह से आपको अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय एंड गुड डे।